आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम अपना सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको सभी सर्विसेज, सभी फैसिलिटीज आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, चेकबुक, यूपीआई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और जो भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उनका भी दोस्तों कोई भी यहाँ पर हिडन चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जीरो एडिशनल फंडिंग के साथ अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। हाँ, ये एक बात जरूर है कि आपको यहाँ पर कुछ पैसे आपको बैंक में मेंटेन रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी आपको दोस्तों सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 6.75% का इंटरेस्ट आपको मिलता है जो कि मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इस केस में अगर आप एक अपना बेस्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो, बेस्ट ऑफर लेना चाहते हो, आप ये भी चाहते हो जो बैंक की तरफ से जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाए, तो इस केस में आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप अकाउंट ओपन कर देते हैं विद इन यहाँ पर 6 डेज के अंदर अंदर इसकी वेलकम किट आपको भेज दी जाती है, जो कि दोस्तों वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक आपको देखने को मिल जाता है। सो डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है। इसका प्रोसेस जानने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से आपको जितनी भी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे दोस्तों आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई बैंकिंग, ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। इसका कोई भी आपको हिडन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, बस इसमें दोस्तों आपको बैलेंस मेंटेन रखना होता है, यही एक क्राइटेरिया इसकी भारी है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही दोस्तों इस बैंक में अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर 6.75% का आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है जो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए आप इस पेज पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, अपनी एक ईमेल आईडी को यहाँ पर टाइप करेंगे, आप अपने पैन नंबर को टाइप करेंगे और आप अपने आधार नंबर को इस कॉलम में टाइप करेंगे। देन दोस्तों इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे अपने आधार नंबर को टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी और जैसे दोस्तों गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी आप इस वाले कॉलम में आपको फिल कर देना है। देन इसके बाद में वेरीफाई आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों आप ओटीपी को फिल कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको आधार वाला एड्रेस देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने आधार वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो वो एड्रेस दोस्तों आपको इनबॉक्स में आपको फिल कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करेंगे, सिटी का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर अपने एड्रेस को फिल करेंगे और यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 में अपने एड्रेस को फिल करेंगे। और अगर दोस्तों आपका आधार वाला ही एड्रेस आपका सेम है, आप अपने आधार वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो डायरेक्ट आप दोस्तों इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एरिया में ब्रांच अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी बैंक की तरफ से हमें बेनिफिट मिलेंगे वो सारे हमें मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर चेकबुक, डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग और ATM कैश विड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर नेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं हमें सिर्फ यहाँ पर 3 फैसिलिटी नहीं मिल रही हैं जिनकी दोस्तों में खास कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रोसीड विद माई आधार एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हमें प्रीफरेड ब्रांच का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा किस ब्रांच में आपको अकाउंट ओपन करना है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने वो सारी ब्रांचेस आ चुके हैं। अब जिस ब्रांच में आप अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो उस ब्रांच को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर एक्यूपेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना आप काम क्या करते हैं, जैसे दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन में आप सोलर प्रोप्राइटरशिप हो या फिर दोस्तों आपका पार्टनरशिप है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, फॉर्मर हैं, रिटायर्ड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ऑक्यूपेशन हो। नेक्स्ट इंटरफेस दोस्तों आपको यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम का मिल जाता है, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल फीस वगैरह है या फिर आप सेविंग करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम क्या है, अपनी एनुअल इनकम को आपको फिल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों अपनी मदर नेम का जो भी मदर नेम है वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर 2 तरीके के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं,
जिसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला अकाउंट हमें देखने को मिलता है ये वाला, जो कि यहाँ पर हमें 25,000 रुपये मेंटेन करके रखना है, और यहाँ पर दूसरे वाले अकाउंट में हमें 10,000 रुपये मेंटेन करके रखना है। अगर आप ये वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर वीजा का प्लेटिनियम डेबिट कार्ड आपको मिलता है, और इस अकाउंट में आपको वीजा का क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। कुछ डिफरेंस भी आपको दोनों अकाउंट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 25,000 रुपये देने हैं और यहाँ पर हमें 10,000 रुपये मेंटेन करके रखने हैं। तो हमारी अगर दोस्तों अगर आप बात माने तो आप ये 10,000 बैलेंस वाला अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासिक का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सीडेंट कवर भी 30 लाख रुपये का देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी यहाँ पर आपको सर्विसेज मिल जाते हैं। तो हमारे केस में दोस्तों हम यही वाला अकाउंट ओपन करेंगे, तो हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और जैसे दोस्तों हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्लेमर बैंक की तरफ से देखने को मिल जाता है, जिन्हें आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड टू ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेशंस का मैसेज मिल चुका है, और यहाँ पर फाइनली कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ हमें मिल चुका है। साथ ही दोस्तों उसकी अकाउंट की डिटेल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ फर्स्ट नंबर में आपको क्या करना है, इसकी IDFC फर्स्ट बैंक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बिना वीडियो KYC के इसकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जिसकी एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी लिमिटेड KYC तो हो चुकी है, अभी आपकी फुल KYC नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर फुल KYC करने के लिए आप देख सकते हैं स्टार्ट वीडियो KYC नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों जैसे आप KYC नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की सभी की परमिशंस यहां से आपको अलाउ कर देना है, और अलाउ परमिशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप यहां पर अलाउ परमिशंस कर देते हैं तो बैंक की तरफ से यहां पर एग्जीक्यूटिव जुड़ जाएंगे। देन आपसे कुछ पैन कार्ड, आधार कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेंगे। देन इसके बाद में आपका सक्सेसफुल वीडियो KYC वाला IDFC फर्स्ट बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि दोस्तों जीरो बैलेंस नहीं है, लेकिन आप बेस्ट अकाउंट कह सकते हैं। यहाँ पर पैसे जरूर आपको मेंटेन करके रखने हैं, लेकिन सारी सर्विसेज दोस्तों बैंक की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो दोस्तों अभी जो आपने देखा है ये एक पूरा प्रोसेस था IDFC फर्स्ट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का। एक बात हम फिर से दोस्तों कहेंगे कि आपको यहाँ पर 10,000 रुपये वाला अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, ये जो सब कुछ मिलता है, यहाँ पर किसी भी सर्विसेज का आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा बहुत जो बैलेंस मेंटेन करके रखना है वो तो भाई आपको रखना ही पड़ेगा। तो एक पूरी ये जानकारी थी कैसे आपको IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको वीडियो KYC को कंप्लीट करना है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। सो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।